नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अर्निंग लॉजिक की यूट्यूब वीडियो पर। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में। दोस्तों, ऑप्शन चेन एनालिसिस का एक्सेल सीट मैं यहाँ पर आपको गूगल ड्राइव का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग इस ऑप्शन चेन को इजिली डाउनलोड करके आप अपने ट्रेडिंग प्लान या जो भी आपका ट्रेडिंग सेटअप आप उसके हिसाब से बना सकते हैं। देखिए, ऑप्शन चेन एनालिसिस है क्या है। ऑप्शन चेन एनालिसिस है एक ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से एक इफेक्टिव सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को निकालना। हालांकि ये इफेक्टिव सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही ब्रेक होता है, मगर फिर भी आप इस जो ऑप्शन चेन एनालिसिस है, इससे बेनिफिट ये है कि आपको पता चलता है कि जो आपका सामने वाला सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो टूटने वाला है या वो सस्टेन करने वाला है। वो कैसे पता चलता है? आपका नेक्स्ट जो स्ट्राइक प्राइस है उसके चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से। तो देखिए, ये है हमारा गूगल ड्राइव का लिंक और ये गूगल ड्राइव जिसके अंदर मैंने ये सीट आपको अपडेट करके दिया हूँ। देखिए, यहाँ पर तीन सीट आपको दिख रहा है कि ऑप्शन चेन एनालिसिस है आपका, निफ्टी बैंक निफ्टी का है, और आपका ट्रेडिंग अबव और बिलो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। मतलब ईओडी बेसिस में जो स्टॉक्स आपका जो उसके इफेक्टिव सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मतलब जो मैक्सिमम ओआई जोन है जो क्रॉस कर गया है वो है। तो देखिए, अभी पहले मैं ऑप्शन चेन एनालिसिस आप के साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, ये इस तरीके का आपका लैंडिंग पेज है, जो मेन पेज मैं कहता हूँ। इसमें आपको सिंबल पुट करना पड़ता है और आपका एक रिफ्रेश टाइम है जो आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जो भी दे सकते हैं। नेक्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो है एक्सपायरी, वो करंट एक्सपायरी मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज 28 मार्च 2019। अभी स्टॉप रिप्रेस दबा के मैंने स्टार्ट रिप्रेस किया, तो देखिए यहाँ पर डेटा रिट्रीव हो रहा है और ये होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरनेट कनेक्शन। तो ये आपका जब डेटा आपका आ जाएगा इस सीट पे, और ये जितने भी डेटा है ये आपका एनएससी की वेबसाइट से लिया हुआ है। यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और एक्सेल में जो भी कैलकुलेशन किया हुआ है आपका ऑप्शन चेन जो एनएससी की वेबसाइट में आपको मिलता है वही डेटा यहाँ पर फेच किया हुआ है। तो चलिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है ये चीज़, और चाहे तो आप खुद भी अपना सीट डेवलप कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर सीट 51 और डेटा जो सीट है ये, देखिए ये डेटा जो है ये मेन जो ये सीट है, इस सीट पे डेटा हमारा लैंड होता है, और इसका जो कैलकुलेशंस है ये देखिए, ये डेटा हमको एनएससी की वेबसाइट से मिलता है। एनएससी की वेबसाइट में कहाँ मिलता है? आपका ऑप्शन चेन वाला जो पेज है वहाँ पर मिलता है। जब भी आप कोई सिंबल पुट करोगे तो उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का ऑप्शन चेन, जो डिटेल ऑप्शन चेन है वो डाउनलोड करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने ऑप्शन चेन ओपन किया हूँ और यहाँ पर SBIN, जी देखिए ये जो पर्टिकुलर पेज है, इस पेज का जो भी डेटा है, ये एक्सेल में जो क्वेरी आता है कि आप कोई भी पेज का डिटेल्स आप एक्सेल में उसको फेच कर सकते हैं, और उस डेटा अगर आपको एक बार एक्सेल सीट में आ गया तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना बहुत इजी हो जाता है। यहाँ पर और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ये इनकी डेटा पेज है। और यहाँ पर देखिए, सारे जो भी डेटा मेरे पास आ गया, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो भी है, और ये देखिए जो सीट 51 है, यहाँ पर सारे कैलकुलेशन आप बना के रख सकते हैं। तो जो भी उस सीट पे आएगा डेटा वाला सीट में, वहाँ से आप यहाँ पर डेटा फेच होने के बाद इस मेन जो लैंडिंग पेज है वहाँ पर आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके हिसाब से आप उसको जो भी फॉर्मेट आप चाहे, तो वहाँ पर आपका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, प्राइस, ऑप्शन ट्रेंड, ये सारे चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, ऑप्शन चेन एनालिसिस आप पोजिशनल बेसिस में या इंट्राडे बेसिस में कर सकते हैं। ये टोटली आपका ट्रेडिंग प्लान कैसा है और आपका ट्रेडिंग सेटअप कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका ट्रेडिंग प्लान ऐसा है कि आप पोजिशनल बेसिस में यूज़ कर रहे हो, तो आपको ऑप्शन चेन में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट जो टोटल कहाँ पर बिल्डअप हुआ है उसके ऊपर से आपको जो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस है वो निकालना पड़ेगा। मैं बेसिकली जो यूज़ करता हूँ वो है जो भी स्टॉक्स आपका जो उसके इफेक्टिव सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो मैक्सिमम कॉल और पुट जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है, जो स्ट्राइक प्राइस में कॉल और पुट में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है, वो प्राइस जब जब आपका फ्यूचर का प्राइस उस लेवल को क्रॉस कर जाता है, वो स्टॉक मैं सिलेक्ट करता हूँ नेक्स्ट डे के इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसको इंट्राडे नहीं, आप स्विंग ट्रेडिंग कह सकते हैं कि 2-3 दिन के लिए भी
मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो देखिए वो वाला सीट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, मगर उसके पहले मैं आपको ये डिटेल्स दिखा देता हूँ कि ये जो भी सीट आपको मैंने अभी दिखाया, ये पर्टिकुलर सीट में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप भी बना सकते हो। एक्सेल में ये क्वेरीज आता है कि जहाँ पर आप कोई भी डेटा को फेच कर सकते हैं फ्रॉम वेब या फ्रॉम कोई अदर सोर्सेस, और उसको आप अगर कोई भी एक एक्सेल के पेज में इसको डाउनलोड करते हैं, वहाँ से आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन बना सकते हैं। तो देखिए ये दूसरा जो सीट है, ट्रेडिंग अबव और बिलो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इस सीट के बारे में बता देता हूँ। ये ईओडी बेसिस में यूज़ होता है। यहाँ पर सारे स्टॉक्स का जो भी आपका हाईएस्ट ओआई बना हुआ है और सेकंड हाईएस्ट जो ओआई बना हुआ है कॉल साइड में और पुट साइड में, और उसके हिसाब से उसका प्राइस बिहेवियर क्या है, मतलब प्राइस का पैटर्न, प्राइस कौन से बैंड के अंदर है, न्यूट्रल बैंड में या कहाँ पर है। यहाँ पर देखिए डेटा में जाके आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा ईओडी बेसिस में, और देखिए ये रिट्रीव हो रहा है। ऑलराइट, देखिए ये रिट्रीव हो गया। अभी आपको प्राइस बिहेवियर में एक सिंपल फिल्टर लगा हुआ है, और उस फिल्टर से मैं फेच करने वाला हूँ कि कौन सा स्टॉक आपका जो आपका कॉल साइड के जो मैक्सिमम ओआई जो है वो क्रॉस कर चुका है, और पुट साइड में जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है वो क्रॉस कर चुका है। ट्रेडिंग अबव रेजिस्टेंस और ट्रेडिंग बिलो सपोर्ट, ये दोनों चीज़ मैं यहाँ पर सिलेक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, ओके दबाएंगे। देखिए यहाँ पर तीन स्टॉक मेरे सामने आ चुका है, जो इंडसइंड बैंक, जो उसके जो कॉल साइड में जो उसका जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो 1600 1650 में है, ये दोनों क्रॉस कर चुका है। और इस चीज़ को वेरीफाई हम कहाँ करेंगे, एनएससी के जो वेबसाइट है वहाँ पर ऑप्शन चेन में हम लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेम आपका जो भी पुट साइड का जो सपोर्ट जो होता है, पुट साइड में जो अभी मैक्सिमम जो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बिल्डअप हुआ है वो भी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए अभी हम लोग ऑप्शन चेन इंडस इंड बैंक, एक मिनट यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ, मेरे नेटवर्क शायद थोड़ा सा एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा मुझे चेंजेस करना पड़ेगा। ये इंडसइंड बैंक जो इसका जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट जहाँ पर है कॉल साइड में, ये क्रॉस कर चुका है। इसका अभी देखिए स्पॉट प्राइस क्या है फ्यूचर में, 1698.5। ओके, और यहाँ पर जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है 281,400 एंड 242,700, ये 1650 जो लेवल है ये ऑलरेडी प्राइस आपका क्रॉस कर चुका है, और अभी जो 1700 के लेवल के आसपास अभी प्राइस है, और वहाँ पर भी देखिए ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो इसके हिसाब से मैं अपना ट्रेडिंग प्लान बनाता हूँ, और अपना जो पैटर्न जो बनाया हुआ है पिछले कुछ दिनों से चार्ट के ऊपर, उसके हिसाब से मैं उसके इंट्राडे का एक ट्रेडिंग प्लान करता हूँ। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, और ये सारे जो भी सीट है आई होप ये आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। ये ओपन इंटरेस्ट जो ऑप्शन चेन एनालिसिस जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, इसके गूगल ड्राइव का लिंक और हमारे जो चैनल के लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स